जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरिस्त न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में पहले टेस्ट मुकाबले का तीसरा दिन खेला गया उसी मुकाबले की हाईलाइट के बारे में। तो आप सभी इस मैच की हाईलाइट को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों यहां पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि मोहम्मद शमी ने तीसरे दिन एडन मार्करम को किया चारों खाने चित। पवेलियन जाते हुए बल्लेबाज ने फिर शमी को देखते हुए कहा कुछ ऐसा कि जानने के बाद आप भी भड़क उठोगे। तो दोस्तों इस बड़ी खबर के बारे में भी जानेंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी, ऋषभ पंत ने तोड़ा एमएस धोनी का रिकॉर्ड, सबसे तेज शतक पूरा करने वाले भारतीय विकेटकीपर बने। तो दोस्तों आखिरकार ऋषभ पंत ने ये कौन सा कीर्तिमान और कौन सा शतक किस मामले में लगाया है जिसके बाद बीसीसीआई ने उनको इनाम देने तक का भी फैसला कर लिया है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो आप सभी तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों अगर आप भी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में तीसरे दिन का रोमांचक मुकाबला देखने के बाद खुश हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का। तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर आप भी हमारे चैनल आरिस न्यूज़ पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में पहले टेस्ट मुकाबले का तीसरा दिन सफलतापूर्वक खेला जा चुका है, जहां पर तीसरे दिन के मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने काफी अच्छा प्रदर्शन कर दिखाया। जहां पर भारतीय बल्लेबाज जब मैदान पर तीसरे दिन बल्लेबाजी के लिए उतरे थे तो भारतीय टीम की पारी बस मात्र 327 रनों पर ही समाप्त हो गई थी। हालांकि दोस्तों भारतीय बल्लेबाजों ने तीसरे दिन इतना ज्यादा खास कुछ कमाल किया नहीं, लेकिन बात करें अगर गेंदबाजों की तो गेंदबाजी में दमखम देखने के लिए भारतीय टीम की तरफ से मिला। दरअसल दोस्तों यहां पर भारतीय टीम द्वारा पहली पारी में बनाए गए 327 रनों के जवाब में जब साउथ अफ्रीका की टीम आई तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम ने 197 रन पर ही अपने पूरे 10 विकेट गवा दिए, जिसके चलते यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम भारतीय टीम से 130 रनों से ज्यादा के अंतर से पीछे हो गई। तो वहीं दोस्तों साउथ अफ्रीका की तरफ से जब कप्तान डीन एल्गर और एडन मार्करम उतरे तो यहाँ पर डीन एल्गर को जसप्रीत बुमराह ने ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाया, जहां पर वो दो गेंदों में एक रन बनाकर पवेलियन लौटे। तो वहीं एडन मार्करम ने 34 गेंदों में 13 रनों की पारी खेली और उनका विकेट मोहम्मद शमी ने लिया, जैसे कि आप सब यहाँ पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। तो वहीं केगन पीटरसन को मोहम्मद शमी ने ही आउट किया। तो वहीं राशि वेंडर डुसेन को मोहम्मद सिराज ने अजिंक्य रहाणे के हाथों 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर कैच आउट करवाया। तो वहीं साउथ अफ्रीका की तरफ से टेम्बा पबुवा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 103 गेंदों में 52 रन बनाए और अपनी इस पारी में उन्होंने 10 चौके लगाए। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ क्विंटन डिकॉक 34 रन बनाकर पवेलियन लौटे। तो वहीं वियान बल्डर ने इस मुकाबले में 33 गेंदों में 12 रनों की पारी खेली। हालांकि दोस्तों कोई भी बल्लेबाज साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से इतना ज्यादा कुछ खास प्रदर्शन कर नहीं पाया और यहां पर भारतीय टीम की गेंदबाजों में मोहम्मद शमी ने 5 विकेट हासिल किए 16 ओवर फेंकते हुए। तो वहीं मोहम्मद सिराज को एक बड़ी सफलता मिली, जसप्रीत बुमराह ने भी 2 विकेट हासिल किए और शार्दुल ठाकुर को भी 2 बड़ी सफलताएं हाथ लगी। और इसी के साथ भारतीय टीम के गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका की टीम को काफी कम रन के स्कोर पर ही रोक दिया। और वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि तीसरे दिन ही भारतीय टीम के बल्लेबाज केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ही बल्लेबाजी करने के लिए दूसरी पारी में उतरे, जहां पर तीसरे दिन भारत ने 6 ओवर का खेल खेला और भारतीय बल्लेबाजी में मयंक अग्रवाल आउट हो चुके हैं। जी हां दोस्तों यहां पर केएल राहुल अभी 19 गेंदों में 5 रन बनाकर नाबाद मैदान पर टिके हुए हैं, जहां पर उन्होंने इस दौरान एक चौका लगाया। तो वहीं मयंक अग्रवाल का विकेट मार्को जेंसन ने क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच आउट करवा कर लिया, जहां पर उन्होंने 14 गेंदों में 4 रन ही बनाए। और वहीं शार्दुल ठाकुर भी अभी मैदान पर टिके हुए हैं 5 गेंदों में 4 रन बनाकर। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर अब देखना ये होगा कि आखिरकार चौथे दिन भारतीय टीम की बल्लेबाजी किस तरह से रहती है और क्या भारतीय टीम की स्ट्रेटेजी रहेगी रन बनाने की, क्या वो तेजी से रन बनाएंगे या फिर धीमी गति से। बाकी दोस्तों अब आपकी क्या राय है भारतीय टीम के गेंदबाजों के बारे में और आप भारतीय टीम की गेंदबाजी को देखते हुए 10 में से उन्हें कितने अंक देना चाहोगे, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, ऋषभ पंत ने तोड़ा एमएस धोनी का रिकॉर्ड, सबसे तेज शतक पूरा करने वाले भारतीय विकेटकीपर बने। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच सेंचुरियन में खेला जा रहा है, जहां पर इस मैच के तीसरे दिन पहली पारी में भारत की पहली पारी 327 रन पर सिमटी। तो वहीं इसके बाद मोहम्मद शमी की शानदार गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को पहली पारी में 197 रन पर ही समेट दिया और 130 रन की बढ़त बनाई। और वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि इस दौरान ऋषभ पंत ने एक बड़ा इतिहास भी अपने नाम किया, जहां पर 24 साल के ऋषभ पंत ने सिर्फ 26 टेस्ट मैच खेलकर यह कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। जी हां दोस्तों अपने पहले 100 शिकार करने में 92 कैच लपकने के साथ 8 स्टंपिंग भी की है। और ऐसे में पंत ने इस मामले में एमएस धोनी और रिद्धिमान साहा का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जहां पर धोनी और साहा ने 36-36 टेस्ट मैचों में अपने 100 शिकार पूरे किए थे। तो वहीं धोनी साहा के बाद इस लिस्ट में किरण मोरे आते हैं और फिर नयन मोंगनिया सैयद किरमानी का नाम इस लिस्ट में आता है। बाकी अब आपकी क्या राय ऋषभ पंत के इस रिकॉर्ड के बारे में आप
अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन के क्रिकेट मैदान पर खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन कर तो दिखाया और साथ में साउथ अफ्रीका की टीम की पहली पारी को मात्र 197 रनों पर ही समेट दिया। जी हां दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। दरअसल जब भारतीय टीम मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आज तीसरे दिन उतरी थी तो टीम की बल्लेबाजी इतनी ज्यादा कुछ किफायती रही नहीं थी, जहां पर 327 रन ही भारतीय टीम बना सकी। और यहां पर फिर जब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए साउथ अफ्रीका की टीम उतरी तो मोहम्मद शमी ने अकेले दम पर ही साउथ अफ्रीका की टीम को बैकफुट पर ढकेलने का काम किया। जी हां दोस्तों, यहां पर मोहम्मद शमी ने 16 ओवर फेंकते हुए 5 ओवर मेडन डाले और 44 रन देकर 5 बड़ी सफलताएं हासिल की, चौके भी लगाए। बाकी कोई भी बल्लेबाज साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से 30 से ज्यादा रनों का आंकड़ा पार ही नहीं कर पाया। बस मात्र क्विंटन डिकॉक ने 34 रन बनाए थे और कगिसो रबाडा ने 25 रन की पारी खेली। और इसी के साथ साउथ अफ्रीका की टीम के 10 विकेट 62.3 ओवर में ही गिर गए, जहां पर साउथ अफ्रीका की टीम 197 रन इस दौरान बना सकी। और वहीं दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम आज अपनी दूसरे दिन की पारी समाप्त होने तक 130 रन पीछे है भारत से। और अब बात करें आज की भारतीय टीम के बल्लेबाजों की, तो आज तीसरे दिन जब भारतीय टीम के बल्लेबाज मैदान पर उतरे तो बल्लेबाजी में भारत का एक अलग ही रौद्र रूप देखने के लिए मिला। जी हां दोस्तों, यहां पर भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने मैदान पर उतरते से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी, तो उन्हें जल्द से जल्द काफी बड़ा स्कोर बनाना होगा और साउथ अफ्रीका की टीम को जल्द से जल्द मैदान पर उतारना होगा, जिसके चलते एक बड़ा टारगेट साउथ अफ्रीका की टीम के सामने हो और वो इसे बनाने में काफी ज्यादा मुश्किलें फेस करे। और यही अब भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली की सोच भी होगी और ऐसा ही बल्लेबाजों ने कर भी दिखाया। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, जसप्रीत बुमराह के आगे बेबस दिखे अफ्रीकी कप्तान, ना चाहते हुए भी खेलनी पड़ी गेंद। जी हां दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क स्टेडियम में खेले जा रहे पहले मैच में टीम इंडिया के गेंदबाजों का जलवा रहा, जहां पर अफ्रीकी बल्लेबाज अपने ही घर में टीम इंडिया के गेंदबाजों के सामने बेबस दिखे। तो वहीं जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी गेंद से आग बरस रहे और इसकी शुरुआत बुमराह ने की थी, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर में साउथ अफ्रीकाई टीम के कप्तान डीन एल्गर को आउट कर दिया था, जहां पर एल्गर शुरुआत से ही जसप्रीत बुमराह के सामने बेबस दिख रहे थे। और ओवर की पांचवीं गेंद पर बुमराह ने इसी चीज का फायदा उठाते हुए उन्हें गेंद खेलने के लिए मजबूर कर दिया। बाकी आप यहां पर तस्वीरें में भी देख सकते हो। और अब आपकी क्या राय है जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी के बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इनका विकेट कोई भी गेंदबाज चटका नहीं पा रहा था, लेकिन यहां पर शार्दुल ठाकुर ने घातक गेंदबाजी करवाकर क्विंटन डिकॉक को आउट किया। उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।